लखनऊ में एसआरएस सिनेमा की रीलॉन्चिंग हो रही है। आपको बता दें कि कुछ समय पूर्व एसआरएस सिनेमा लखनऊ का प्रतिष्ठित मल्टीप्लेक्स था, लेकिन कुछ समय के लिए बंद हुआ था। अब एसआरएस सिनेमा को फिर से रीलॉन्च किया जा रहा, पूरे भव्य रूप में एसआरएस सिनेमा की रीलॉन्चिंग की जा रही है। 13 जुलाई से एसआरएस सिनेमा फिर से दर्शकों के लिए खुलने वाला है। इस संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन आज एसआरएस सिनेमाज में किया गया है। आइए आपको सीधे ले चलते हैं इस प्रेस वार्ता में और जानते हैं कि इस बार एसआरएस सिनेमाज में क्या खास होने वाला है। 13 जुलाई से एसआरएस सिनेमाज रीलॉन्च हो रहा है। इस रीलॉन्चिंग के साथ ही कई इनॉग्रल ऑफर्स भी रखे गए हैं। आपको बता दें कि केवल 99 रुपए में मूवी टिकट के साथ साथ 99 रुपए में फूड भी रखा गया है। 99 रुपए का ये ऑफर ग्राहकों को काफी पसंद होने वाला है। इस पर बात करते हुए एसआरएस सिनेमाज के अधिकारियों ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि हम लखनऊ के लोगों को एक मनोरंजन का अच्छा साधन दे सकें। एसआरएस सिनेमाज अपनी उत्कृष्ट सुविधा के लिए जाना जाता है। एसआरएस सिनेमाज के अधिकारियों ने यह भी कहा कि गोमती नगर वासियों के लिए यह एक अच्छा स्थान हो सकता है, जहां वो अपने पूरे परिवार के साथ, अपने दोस्तों मित्रों के साथ आ सकते हैं और फिल्म का आनंद उठा सकते हैं। 13 जुलाई से इस सिनेमा घर को फिर से रिलॉन्च किया जा रहा है। काफ़ी बड़ी लॉन्चिंग है ये और गोमती नगर वासियों के लिए यह मनोरंजन का एक खास ठिकाना बनने वाला है। आज का हमारा प्रमुख मतलब उद्देश्य तो यही है, आप लोगों को बुला के इन्फॉर्मेशन देना कि कल से हमारा एक नया सिनेमा खुल रहा है जो कि रीलॉन्च कर रहे हैं, लेकिन रीलॉन्च हम एक नया फैशन और जील और एंथो से कर रहे हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य तो ये है, जिसमें हम सबसे बड़ा हमारा जो है प्रचार या हमारे आप लोगों से रूबरू होने का यही था कि हम एक नेबरहुड सिनेमा खोल रहे हैं, एक पड़ोसी सिनेमा खोल रहे हैं जो कि गोमती नगर इसको ओन करता है, और साथ में एक अफोर्डेबिलिटी की वे कि आपको हम ये नहीं कह रहे कि आपको एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा, बट हम ये कह रहे हैं कि आपको एक अफोर्डेबल प्राइसिंग में आपको एक बेस्ट सिनेमा एक्सपीरियंस मिलेगा जो पहले भी मिला करती थी, और आज कहीं ज़्यादा और कहीं अच्छे सिस्टम और प्रोसेसेस के हिसाब से आपको और मिलेगा। सर, लखनऊ में काफी ज्यादा मल्टीप्लेक्स हैं, एसआरएस सिनेमा रिलॉन्च हो रहा, क्या नया देगा इस बार एसआरएस? देखिए, हमने यही कहा कि हम हमेशा ये कहते हैं कि सिनेमा तो आपको हर जगह देखने को मिलेगा, पेप्सी पॉपकॉर्न आपको हर जगह मिलेगा। हम एक पैशनेट वे में हम एक रिलेशनशिप बना के उस चीज को एक अफोर्डेबिलिटी और एक ईजी रीच के लिए, क्या होता है कि हर दायरे में शायद गोमती नगर के लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता था, तो लखनऊ को तो हम पहले बाद में ये करेंगे, टारगेट करेंगे। सबसे पहले हमारे गोमती नगर के लोग ही अगर यहाँ पर आके सिनेमा देख के चले जाएं तो वही हमारे लिए सबसे पहली जीत होगी। जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा तो दायरा बढ़ता जाता है, जिस तरीके से अलग अलग जगहों में जो है लैंड की दायरे बढ़ते जाते हैं, उसी तरीके से हमारी रीच भी बाहर जाती जाएगी और उनको अपने आप ये समझ में आएगा कि भाई कि हाँ, एक अफोर्डेबल सिनेमा है, एक हमारा नेबरहुड सिनेमा है जो हमारे को टेक केयर करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम कोई एक कॉर्पोरेट सिनेरियो को एक ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं, हम एक जेन्युइनिटी को और एक हम बहुत ज्यादा पैशन को हम आगे लेके कर रहे हैं, तो इसी कारण हमारे ये आप इस चीज को नयापन समझ लीजिए। सर, पैकेज 99 की आपने अभी बात करी थी, क्या होगा ये? 99 रुपीज का टिकट्स भी होएगा और 99 रुपीज में आपको पेप्सी पॉपकॉर्न का एक कॉम्बो भी मिलेगा जो हम लॉन्च करने के हिसाब से कर रहे हैं। ऑब्वियसली चेंजेस तो आती ही रहेगी, पिक्चर के हिसाब से, सिनेरियो के हिसाब से चीज़ें तो आती रहेगी, लेकिन ऑन अ वेरी ट्रांसपेरेंट नोट जो भी होएगा एकदम जो है ट्रांसपेरेंट वे में रहेगा। एक QR आपने बना रखा है, इसको यदि जब तक जो आएंगे यहाँ पे देखने, इसको स्कैन करेंगे तब उनको कैच करने के बाद, देखिए अब उनको QR कोड को स्कैन करने के बाद में अगर कुछ भी कहेगा तो हम अगर हमारी एक लाइकेबिलिटी रहेगी, वो हमारे इंस्टाग्राम को लाइक करेंगे, वो हमारे को फीडबैक्स देंगे, तो उस फीडबैक के ऊपर में जेन्युइनली गौर और उसको हम इरेडिकेट करने की कोशिश करेंगे, और साथ में एक इंसेंटिवाइज हम हमेशा ही करते रहेंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि आज की डेट में हर चीज़ के पीछे इंसेंटिव होती है, कैशबैक्स होती है, वो सारी चीज़ें जनरेट करने के लिए एक हमारे पास जैसे जैसे डेटा बढ़ती जाएगी, हमारे पास डेटा तो पहले का भी है लेकिन अभी एक नए जनरेशन की डेटा आएगी, वो सब आएगा तो उसके जरिए हम प्रमोशनल एक्टिविटी करेंगे, क्या फ्रीबीज दे सकेंगे, वो सारी चीजें हम इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।